गुजर हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट ये है कि कोटा पुलिस ने कुछ संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर के जो अपराधी किस्म के हैं उनको पकड़ करके रावतभाटा पुलिस को के सुपुर्द किया है और रावतभाटा पुलिस इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। इससे पहले जो है कोटा के MBS अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भी जमकर हंगामा देखने को मिला, क्योंकि जब मृतक का पंचनामा किया जा रहा था इस दौरान जो है समर्थक भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए। इस दौरान जो है पुलिस ने लाठियां फटकारी और उनको मौके से खदेड़ा, लेकिन समर्थकों ने जो है पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा और समझाइश की गई, उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। आक्रोश लोगों में इस बात को लेकर भी था कि जो मृतक था उसने कुछ दिन पहले ही पुलिस में मामला दर्ज करवाया था कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। इस बात को लेकर के जो समर्थक हैं और परिजन जो हैं वो आक्रोश जता रहे थे कि पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की और आखिरकार जो देवा गुजर है उस पर इस तरह से जानलेवा हमला हुआ और उसकी जान चली गई। लेकिन इन सबके बीच इस घटनाक्रम के होने के बाद से पूरा जो कोटा का बोराबास इलाका है और वहाँ से रावतभाटा तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर तनाव पूरी तरह से बना हुआ है। सुबह के वक्त में भी जो है लोग सड़कों पर उतर आए थे, उन्होंने रास्ता जाम कर दिया था, एक बस को आग के हवाले भी कर दिया था। पुलिस ने जो है अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कोटा पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ जो चित्तौड़गढ़ की पुलिस है ये दोनों जो जिलों की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है और मामले को शांत कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं दोनों जिलों की पुलिस जो है जो संदिग्ध अपराधी हैं हमलावर जो हैं उनकी तलाश के लिए टीमें जो है गठित करके उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भेजी है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।